आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपसे अनुकंपा नियुक्ति के बारे में चर्चा करूंगा। अनुकंपा नियुक्ति एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें कई बार जानकारी नहीं होती है। हमने देखा है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में अक्सर लोग दलालों के बहकावे में आ जाते हैं, और जहाँ की प्रावधान नहीं भी होता अनुकंपा नियुक्ति का, कुछ दलालों के माध्यम से उन्हें बता दिया जाता है कि हाँ, अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है, इसमें लाख, दो लाख, चार लाख रुपये खर्च होंगे, आपको अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। तो साथ ही हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे हम केस आते हैं, और हमने देखे हैं कि जहाँ की वो दलालों के बहकावे में आके अपनी बेशकीमती कमाई, जहाँ की उन्हें कोई प्रावधान ही नहीं है अनुकंपा नियुक्ति मिलने का, वहाँ भी वो खर्च कर देते हैं लाख, दो लाख, पाँच लाख रुपये, और बाद में उन्हें पता चलता है कि नहीं, इस पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। तो आज साथियों, मैं आपको अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े हुए ही आपके कुछ सवाल हैं जो आप लोग करते हैं और जो हमने देखा है, आज मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो साथियों, जो सबसे पहला सवाल आप लोग करते हैं और पूछते हैं कि क्या अनुकंपा नियुक्ति पाना जो वारिस है, जिसकी मृत्यु हुई है नौकरी के दौरान, उसका अधिकार है? तो साथियों, इस बारे में हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति किस प्रकार से अधिकार है या फिर अधिकार नहीं है। तो आप स्क्रीन पर देखिएगा साथियों, जो जजमेंट है यह स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस लक्ष्मण प्रसाद रैकवार के नाम से है, और इसमें बताया गया है कि इट हैज़ बीन हेल्ड दैट कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट एज इट इज नॉट ए वेस्टेड राइट एंड द पॉलिसी प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर कंपैशनेट अमाउंट वुड बी एप्लीकेबल। इसमें साथियों बताया गया है कि जो अनुकंपा नियुक्त है, जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है, ये कोई किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। ये केवल तात्कालिक तौर पे जिसके पिता माता या फिर जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिजनों को तात्कालिक तौर पर मदद करने के लिए एक प्रकार से एक प्रयास किया जाता है, लेकिन ये अधिकार नहीं है उनके वारिसों का कि वो इसके लिए दावा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे जो अधिकार नहीं है इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं आप जिस स्टेट में हो, कि इसका जो रूल और जो पॉलिसी होती है वो हर स्टेट की अलग अलग होती है, और सरकार टाइम में इसको अमेंड करती रहती है। कभी ऐसा होता है कि कंपनसेट अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, उसके बदले में कुछ एलुमनी मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि उसके बदले में कंपनसेट अपॉइंटमेंट अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। तो उस सरकार के नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है और सरकार की पॉलिसी पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इसमें जो कोर्ट ने कहा कि अधिकार नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि आप दावा नहीं कर सकते अगर प्रावधान नहीं है तो। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा जो सवाल आप लोग करते हैं कि क्या विवाहित पुत्री को भी अधिकार होता है कि वो अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा कर सकती है? जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी व्यक्ति के एक बेटा एक बेटी है, बेटा पहले से कहीं जॉब कर रहा है और जो बेटी है उसकी शादी हो चुकी है, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पे जो बेटा है केवल उसी का अधिकार है। तो इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप देखिएगा, जिसमें ऐसा बताया गया कि विवाहित पुत्री का भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरे का है। ये जजमेंट आप देखिएगा, तथ्य जजमेंट है मीनाक्षी दुबे वर्सेस एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स के नाम से है। हैज कैटेगोरिकली ऑब्जर्व दैट ए मैरिड डॉटर इज आल्सो एंटाइटल टू गेट कंपनसेट अपॉइंटमेंट एंड द प्रोविजन ऑफ द पॉलिसी स्पेशली क्लॉज 2.2 to 2.4 हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय द कोर्ट एंड फाउंड दैट इवन ए मैरिड डॉटर कैन बी गिवन कंपनसेट अपॉइंटमेंट। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे शादीशुदा पुत्री है उसका भी अधिकार होता है कि वो भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावेदार हो सकती है। अब जो तीसरा सवाल है साथियों, कि कई बार लोगों को ये समझ नहीं आता है कि उसमें पॉलिसी है भी कि नहीं है। तो आप जब भी आप किसी भी केस में अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आप जिस डिपार्टमेंट के हैं, जिस सरकार से हैं, क्योंकि सरकार की अलग अलग पॉलिसी होती है, तो आप वहाँ की वर्तमान पॉलिसी का मतलब ये है साथियों कि जैसे अभी मैं जिस केस को देख रहा था, उस केस में 14th में उस व्यक्ति की डेथ हुई थी, और जब उस व्यक्ति की डेथ हुई थी उस समय पे अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं था, उस समय पे केवल राशि देने का प्रावधान था और वो 2.5 लाख रुपए थी। तो जिस केस को मैं देख रहा था इसमें कोर्ट ने 2.5 लाख, उस केस में डिपार्टमेंट ने उस जो अनुकंपा नियुक्ति जो लोग मांग रहे थे उनको 2.5 लाख रुपये पहले ही दिया जा चुका था 2014 में। लेकिन 2016 में सरकार ने अमेंडमेंट किया कि जो दैनिक वेतन भोगी हैं उनको वो भी कभी अनुकंपा नियुक्ति के हकदार होंगे, जैसे कि उनके पिताजी कर रहे थे या फिर जो भी उनके माता पिता कर रहे थे। तो उस कंडीशन में जब ये हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई कि चूंकि 2016 में अमेंडमेंट हो चुका है और हम इसके हकदार हैं, तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जिस समय उस व्यक्ति को मृत्यु हुई है उस दिनांक को जो भी पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है आपको उसी हिसाब से आपको अनुकंपा नियुक्ति या फिर
अनुकंपा राशि जो भी दी जाएगी आप उसके हकदार होंगी, ना कि बाद की पॉलिसी में अगर कोई अमेंड किया गया तो आपको उससे फायदा नुकसान होने वाला है। कई जगह फायदा ये होता है आपको कि जब उनकी मृत्यु हुई उस समय पे अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन एक दो साल बाद अमेंडमेंट कर दिया गया जिसमें ऐसा कह दिया गया कि अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी, तो भी जिस समय जो जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उस समय जो डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन है, जो स्टेट का नोटिफिकेशन है, अगर उसमें जो भी लिखा होगा, जो भी एग्जिस्ट कर रही होगी पॉलिसी, उसी के हिसाब से आपको वहाँ पे आप दावा कर सकते हैं कि आपको उस आपका अधिकार है और आपको मिलनी चाहिए। इस बारे में भी एक जजमेंट देखिएगा, ये साथियों जजमेंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मनोज कुमार देहरिया, और इस प्रकार से जजमेंट है द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स वर्सेस आशीष अवस्थी। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन नोट ऑन द फुल बेंच डिसीजन ऑफ द डिसीजन इन द केस ऑफ मनोज कुमार देहरिया एंड हैज़ हेल्ड दैट एज पर पॉलिसी सर्कुलर प्रिवेलेंट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ डिसीज एम्प्लॉय ओनली इज रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड एंड नॉट द सबसिक्वेंट पॉलिसी। तो साथियों जैसा हमने आपको बताया कि इस केस में भी यही हुआ था कि बाद में जो सबसिक्वेंट जो पॉलिसी है वो चेंज कर दी गई थी। सबसिक्वेंट पॉलिसी में जो अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान लागू कर दिया गया था, लेकिन जब डिसीज्ड था जिसकी मृत्यु हुई है जिस व्यक्ति की, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई उस समय पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं था। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो फुल बैंक का डिसीजन है कि यहाँ पे जो भी जब भी उस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय जो पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है वही पॉलिसी लागू होगी और उसी के आधार पे ही उसको अनुकंपा नियुक्ति या फिर अनुकंपा राशि या फिर अगर कुछ नहीं है तो उसके हिसाब से उसको उसका फायदा या फिर जो भी रूल होगा वो अप्लाई होगा। तो आप लोग अगर आपके पास आपका भी जो मामला है वो अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित है तो आप लोग जो भी दलाल होते हैं उनके चक्कर में ना पड़े। सबसे पहले आप उस डिपार्टमेंट की और सरकार की गाइडलाइन देखें कि अनुकंपा नियुक्ति के बारे में क्या प्रावधान है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, आपको डिपार्टमेंट से ही मिल सकती है वो, उसके बाद ही आप प्रयास करें या फिर किसी को पैसे दें। मैं कहूँगा इसमें आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि कई कई बार तो 4-4, 5-5 लाख रुपए भी लोग खर्च कर देते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि ऐसा तो प्रावधान ही नहीं है। तो इस तरह से आप पहले उस पॉलिसी को देखने के बाद ही कोई कदम उठाएं, अगर उस पॉलिसी में जिक्र नहीं किया गया है तो आप किसी को पैसे या फिर किसी दलालों से संपर्क ना करें। धन्यवाद साथियों। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, जहां से इस रिट पिटीशन में जो भी जजमेंट का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने आपको वो भी पढ़ने को मिलेगा और आप उसे समझ पाएंगे कि किस प्रकार से अनुकंपा नियुक्ति कंपनसेट अपॉइंटमेंट के बारे में आपके क्या अधिकार हैं। धन्यवाद साथियों।